So this patient is coming to us from MP. He has multiple lipomas all over his body. He started with small swellings which were 3 to 5 mm in size initially, which he noticed. First swelling he noticed when he was 14 to 15 years of age in his class 10th. These small were all the swellings. First, which subsequent swelling kaha notice kiya aapne? First, ye wale. Okay. वो निकलवाए भी आपने उसमें से? निकलवाए थे, ये इतने बड़े थे। फिर इससे प्रॉब्लम क्या होती थी आपको? सिर्फ दर्द होता था या कुछ होता था कि ये धीरे धीरे बढ़ते जाते थे? क्या क्या चीजें इसके कारण फेस करनी पड़ती? सर ये बहुत स्लो बढ़ता था। ओके। और दिखने में अच्छा नहीं था तो मैं फुल शर्ट पहनता था हमेशा। फुल शर्ट? फुल शर्ट। ही वाज वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट्स ऑल द टाइम। ही वाज ट्राइंग टू कीप इट कवर्ड ऑल द टाइम। और अच्छा भी नहीं लगता था। ओके। तो बाहर मैं कभी बाहर भी नहीं जाता था। बाहर नहीं जाते थे, इसके कारण आप बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलना सब बंद था? Okay. जाना था बगैर, जैसे बाहर नहाना हो गया, ये सब हो गया। okay. तो इसमें मैं नहीं जाता, शादी वाले में कोई भी पार्टी में या लोगों के सोशलाइजिंग नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस ही वाज नॉट एबल टू सोशलाइज एंड नॉट इवन एबल टू टेक द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। Because of this, he was always, all the time, his focus was trying to keep it covered, and he was socially almost cut off because of this. फिर क्या किया आपने? फिर बहुत क्या बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट, पहले तो ये फर्स्ट टाइम ये कट कर निकाला। फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने कट करके निकाला था? गांठ है, टीबी गांठ ऐसे करके। फर्स्ट टाइम ही वाज नोटिस्ड एज दिस स्वेलिंग, देन दे थॉट दैट दिस इज अ ट्यूबरकुलस स्वेलिंग, सो दे रिमूव दिस लंप with a big incision which has left him with a long scar as well as the stitch marks. You can see this is the scar of the previous surgery and there were stitch marks also. Here you can focus it nice like this. This exactly, this big is the scar. Okay, and these sides, these are the stitch marks. Okay, ठीक है। फिर जब वो निकाला फिर क्या किया आपने? तो नया निशान आ गए। फिर कितने जगह का टाइम लिए सोचते? हाँ, देन ही थॉट हाउ मेनी प्लेसेस ही विल कट दिस एंड ही गॉट वरीड अबाउट दिस। देन फिर क्या ट्रीटमेंट किया आपने? होम्योपैथी चलाए थे। ओके। होम्योपैथी, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग यू टुक होम्योपैथी? सिक्स मंथ्स। ओके। उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा? उससे खाने से बड़े के उतने रहे के कम हुए? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी फर्क नहीं था, ना बड़े ना कम हुआ। तो इसके बाद मैंने योगा चालू किया। okay. उसमें बहुत सारे मेडिसिन है वो भी खाया, लेकिन वो बहुत स्लो होगा। वो डरते कपालभाति कर रहा था। okay. लेकिन ये बढ़ते जा रहे थे। कपालभाति करने के बाद और बढ़ गया? नहीं, बढ़े नहीं, लेकिन ये उस टाइम नहीं बढ़ रहे थे, पते नहीं चल रहे थे। फिर उसमें बहुत नहीं हुआ। फिर मैं ये बहुत खोजा नेट में, इसका इलाज ही नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो आप डर क्यों रहे थे निकलवाने से? क्योंकि आपको पता था ट्रीटमेंट तो निकालना ही है। नहीं, ये मेरे को नहीं पता था। ओके। ये वाला कॉस्मेटिक सर्जरी, बाकी मैं ये कितने जगह कटाऊं ये करके बेसिकली ही वाज स्केयर्ड दैट हाउ मेनी प्लेसेस ही विल कट फॉर दिस। इफ वी कट लाइक दिस ही विल गिव कट ऑल द बॉडी, हाउ ही विल रिकवर बिकॉज ऑफ दैट, एंड इफ देयर आर बिग कट्स इट विल बी अ लॉन्ग रिकवरी टाइम आल्सो। इसके अलावा इसके और कोई सोशल प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोई फैमिली में, रिलेशन में, या लोगों के साथ आपको कट ऑफ करना करते थे ऐसा कुछ? कट ऑफ की थोड़ी दिक्कत, कट ऑफ की दिक्कत थी जब भी किसी को? क्यों डरते थे वो लोग, क्या सोचते थे? हाँ, कि लोग सोचते थे या फिर मैं बताता था कि जेनेटिक है तो ऐसा कुछ नहीं होता था। पर वो मानते नहीं थे? नहीं, ऐसा मेरे सामने तो ऐसा अभी तक नहीं है। बताने से समझ जाते थे? बताने से समझ जाते थे, पर नहीं तो पहले डर जाते थे कहीं उनको ना हो जाए। क्या हो गया फिर? ओके, ये कुछ नया चीज देखना पड़े। ओके। फर्स्ट टाइम व्हेन दे नोटिस एनीवन, व्हेन ही मीट न्यू पीपल एंड दे यूज्ड टू गेट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दिस दैट व्हाट हैज हैपेंड, मे बी दिस कैन हैपन टू देम आल्सो, सो दे यूज्ड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम इनिशियली, बट व्हेन ही एक्सप्लेन्स देम अबाउट द प्रॉब्लम दैट दिस इज अ जेनेटिक थिंग, दिस विल नॉट बी कंटेजियस, दैट देन ही वाज एबल टू कन्विंस पीपल। बट हाउ मेनी पीपल यू विल कन्विंस? फिर अभी क्या है मन में, क्या डाउट्स हैं, क्या डर लग रहा है? अभी भी डर है मन में कि काफी विश्वास है कि ठीक ही होगा? सर वीडियो देखा तो उसमें लगा कि नहीं होगा सर, कि हमें तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा होना है, फिर भी आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट होगा अभी भी। और अभी किसी से बात भी किया था आपने किसी से कि आपका डायरेक्ट सीधा आया?
मम्मी से बात करके घर पे बात करके आ रहे हैं। ठीक है, वही कि दोबारा जैसे यहाँ से निकला तो दोबारा थोड़ी 90% है, 90 या 95% है कि ये नहीं आना। 3-5% के करीब चांसेस होते हैं कि आ भी सकता है, पर नॉर्मली नहीं आता है। अगर कोई स्मॉल है ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ है, कोई 3 mm का 2 mm का जो आज हमें नहीं दिख रहा, डेट कैन कम बैक, आएगा तो उसका इलाज करेंगे। बाकी ये नॉर्मल है, कोई इसके अंदर डिजीज़ नहीं है। इनके 3-4 कारण होते हैं। एक तो ये ऐसा जब काफ़ी ज़्यादा डिसफिगरमेंट करना शुरू हो जाता है या प्रेशर सिम्टम डालना शुरू कर देता है, थोड़ा एनेस्थीसिया नमनेस शुरू हो जाती है हाथ वगैरह में, वो एक कारण है सर्जरी करने का। एक कॉस्मेटिक रीज़न है कि, और एक कारण ये होता है कि सडनली कोई एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए तो उसमें ट्यूमर होने का डर होता है, इसलिए उनको निकालना ज़रूरी होता है। बाकी नॉर्मली अगर ये पड़े हुए हैं तो ये कुछ नहीं कहेंगे, बट खास करके जैसे आपकी इन्होंने पूरी की पूरी शेप ही इन्होंने हाथों की ख़राब कर दी है, ऐसे केसेस में इनको निकालना ज़रूरी है। यू कैन सी दीज आर सो बिग डॉट दिस, दे हैव ऑलमोस्ट डिसफिगर्ड हिज आर्म्स, सेम थिंग हैज हैपेंड विद दिस। सो फॉर हिम वी शुड नॉट बी थिंकिंग दैट दिस इज़ ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, दिस इज़ डेफिनेटली ए प्रॉब्लम, दिस इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, दिस इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, and this is reducing his self esteem also because of this. He is not able to interact with many people because of this problem. ठीक है, करते हैं कोई टेस्ट सर। एक और जैसे ये जेनेटिक है तो पीढ़ी में और हो सकता है, गारंटी तो नहीं है बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। जो जीन्स से थ्रू ट्रांसमिट होता है, प्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट कि आपको है तो आपके बच्चों में होने ही है, और अगर आपके आप बच्चों में हैं मतलब तो उनके भाइयों में भी होने हैं, जरूरी नहीं है। जैसे आपके घर में किसी ने किसी को कुछ एक आधा रहा होगा, पेरेंट्स में है किसी को, दादा को थे तो दादा से आपको ट्रांसमिट हुआ, पर आपके फादर को पापा की में कुछ कुछ कितना फॉर हिम द ट्रांसमिशन था, और दादा को कितने थे, from he got this problem because from his grandfather and to his father had only 3-4 but he has so many, so this may spread, this may not spread, that is not there is no specific linking that this, if he is having his children will definitely have, there is a possibility, and there is a possibility that he may not, their children will not get it. Okay, what type of genes your children acquire from your wife उससे भी डिपेंड करेगा, इट इज नॉट प्राइमरली योर जीन्स, और दोनों में से जो डोमिनेंट होगा उसके कारण आ सकता है। ठीक है, तो वो जीन्स पे डिपेंड करता है, यू कैन नॉट स्पेसिफिकली कि आना है नहीं आना, कोई ऐसा नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई डाउट सर? ये 2 types होते हैं, कई टाइप के होते हैं, सॉफ्ट लाइकोमा होते हैं, ठीक है, लिक्विड टाइप्स के होते हैं, कई सेमी सॉलिड होते हैं, कई फाइब्रस होते हैं, फाइब्रोलाइपोमा होते हैं, ठीक है, कई किसी किसी में कुछ नर्व एंडिंग में होते हैं, न्यूरोलाइपोमास भी होते हैं, तो हर एक की कंसिस्टेंसी, हर एक चीज़ अलग है। कोई 2 lipoma जरूरी नहीं कि सेम ही हो, किसी में फैट होती है, किसी में फैट मिक्स विद फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस लाइपोमास होते हैं, किसी में फैट मिक्स विद कम सम न्यूरोनेटिक टिश्यू होता है तो वो उसके साथ न्यूरोलाइपोमास बोलते हैं उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और एक पूछना था, डॉक्टर ट्रीटमेंट करा था तो वो बता रहे थे तो क्या बोलते हैं, ये एक मूव वाला होता है, एक नॉट मूव वाला होता है। हाँ, जो नॉट मूव वाला होता है उसके अंदर ट्यूमर होने का चांसेस होता है, जो नॉटी होती हैं या जो फिक्स्ड होती हैं वो मैलिग्नेंसी की तरफ सजेस्ट करती हैं, और जो सॉफ्ट होती हैं उसमें कम चांसेस होता है। तो 99% है कि आपके अंदर नहीं है ट्यूमर व्यूमर, कोई चीज़ नहीं है। इवन पहले जैसे ट्यूबरक्लोसिस निकाल दिया था, उसका इलाज मतलब सोच के उसको काट दिया था, तो वो नहीं है, ये डेफिनेटली ये लाइकोमा के गांठे हैं और इनको निकालना है, डेट्स इट, डेट्स द ओनली ट्रीटमेंट, निकालना है, अनकंफर्टेबल है निकालना है, कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, और कोई डाउट? दर्द वर्द की चिंता तो नहीं है अभी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद कब तक दर्द रहेगा? कुछ दर्द नहीं रहेगा, ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही दर्द, ऑलमोस्ट दर्द तो अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगा, हल्का सा भारी लगेगा, पर खुद को अपने हाथ बहुत अच्छे लगेंगे। जो आज सिचुएशन है
कल जब आप देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट फील होगा. तो ही स्केयर्ड बेसिकली फ्रॉम द पेन आल्सो. ही हैज सम क्वेरीज रिलेटेड टू कि आर दिस जेनेटिक देन दिस विल गो टू हिज चिल्ड्रन और नॉट. इट मे गो टू हिज चिल्ड्रन और इट मे नॉट गो टू हिज चिल्ड्रन बिकॉज ही विल गेट द चिल्ड्रन विल गेट द जीन्स फ्रॉम हिम आल्सो एंड फ्रॉम हिज वाइफ आल्सो. So that will depend on whether which if that genes expresses, then it can cause. If that gene do not express, it will not cause. He inherited his lipomas from his grandfather. His grandfather had few, then his father had also very few, less than his grandfather, but now he has got more. So there is a possibility that he will get, there is a possibility he may not get. Aur koi question? Food related ho gaya. खाने खाने के हिसाब से सब कुछ खा सकते हैं. खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई जिस बंदे के अंदर इतनी इतनी फैट है उनको भी लाइपोमा नहीं है, और जिनके अंदर इतनी सी भी फैट नहीं है उनको भी लाइपोमा हो सकता है. तो ना कोई फैटी खाने से रिलेशन है, ना कोई वेज नॉन वेज खाने से रिलेशन है. ये सब है द फूड इज खट्टे खाने से कुछ नहीं है. दिस इज नॉट देर इज नो रिलेशन ऑफ फूड विद दिस लाइपोमास. So do not restrict for all your vegetarian, non-vegetarian, whatever. And number of patients we have treated, and from all, some were pure vegetarians, still they had, some of them were all the taking non-vegetarian food, and still they had, and there were some people who were taking no fat at all, still they had the lipomas. So there is no specific relation to the food. नॉट इवन विद द सॉर फ्लोट. जो खट्टा खाना की बात कर रहे हैं वो सबसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है. नहीं कुछ ना पकने हैं ना बढ़ने हैं ना कम होने हैं. यू ट्राई इट, चाहे आपको अभी नहीं कराना, अभी आप खट्टे खा के देख लो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे. खट्टा नहीं खाओगे, हाँ जब ज़्यादा वो चीज़ें खाएंगे ना आप. कई लोगों के सम पीपल हैव ए प्रॉब्लम विद अल्कोहल, व्हेन दे टेक अल्कोहल that time they started causing little pain and discomfort. Because of that same similar thing happens if you are taking lime water or lime type of food or the which causes jo khatta food ye keh rahe hain uske karan he may get little bit of pain and discomfort. So they relate that this has increased because of that, but actually it is only the discomfort which increases after this type of foods. समझ गए. और कौन सा क्वेश्चन था आपका? जेनेटिक का हो गया, खाने का हो गया, खट्टा खाने का हो गया, और एक्सरसाइज का. सब एक्सरसाइज कर सकते हो, ना एक्सरसाइज से कम होना ना एक्सरसाइज से बढ़ना. ठीक है, एनीथिंग एल्स? और इसका जो निकलेगा उसका पानी कितना रहेगा? पॉइंट बहुत छोटा रहेगा. माइक्रो इंसिजन टेक्निक बोलते हैं हम इसको. 3 to 5 mm, 3 mm के करीब में ही नॉर्मली हम सारा का सारा निकाल लेते हैं. बहुत ज़्यादा हार्ड लाइपोमास हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो 4 to 5 mm कई बार वो आता है. एंड डैट होल इज सो स्मॉल वी नीड नॉट टेक एनी स्टिचेस फॉर डैट. वो हील भी बहुत फास्ट हो जाता है, ज़्यादा कोई उसके अंदर स्टिचेज आने नहीं हैं. तो जैसे ये स्टिच मार्क्स आए हैं, स्टिच मार्क नहीं आएंगे. कट इतना छोटा होगा कि स्टिच मार्क से भी छोटा है, जैसे पिंपल का मार्क हो जाता है वो टेम्परेली थोड़ा टाइम के लिए आएगा और फिर वो भी गायब हो जाएगा. 2 से 3 महीने में वो ऑलमोस्ट दिखना बंद हो जाता है कि कहाँ से निकला. उसके लिए कुछ लगाना, कुछ क्रीम हम देंगे. वी विल गिव सम मेडिकेशन टू अप्लाई. यू कैन अप्लाई फॉर डैट. बट एज सच नथिंग स्पेसिफिक इज रिक्वायर्ड. इफ़ यू डू नॉट अप्लाई एनीथिंग, जस्ट अप्लाई कोकोनट ऑयल, डैट विल ऑल्सो बी सफिशियंट. और कुछ? ठीक है, आज तक आपने बहुत सालों से संभाले हैं, देख लो इनकी फोटो वोटो ले लो. एक बार जब ये निकल जाएंगे देन वी विल डिस्कस अगेन. ठीक है, क्योंकि हाथ पूरा का पूरा चेंज होने वाला है. आई वी आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू रिमूव द कंप्लीट बिकॉज दिस टाइम वी विल बी एबल टू कंप्लीट ओनली दिस मैनी विच वी हैव मंथ. बट ग्रेजुअली आवर एम इज टू फिनिश ऑल दिस लाइपोमास.